मम्मी ने उसी में फेंका। किसमें? हमने बोला कि एक कब्र में दफनाना। हाँ? उसमें मगर अभी जो हूँ अभी मैं लाल चुक आया हुआ हूँ। क्यों आया हुआ हूँ नहीं पता है कि किसी से मैं बुलवा भी पाऊंगा या नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत लाल चौक देख लेंगे और देख लेते हैं क्योंकि आज शांति है, आज यहाँ पे ट्रैफिक है नहीं। तूने कभी लाल चौक ऐसा देखने को मिला है इतना सुनसान? सच में कह रहा हूँ लाल चौक कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा इतना सुनसान, क्योंकि आज ईद है, ठीक है ना, काफ़ी खाली खाली सा है, तो आज अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। ऑल दो एक्सप्लोर करने नहीं आए, अभी देखते क्या होता है, कोई अगर मिलता है तो डेफिनेटली वी गोना कैप्चर दैट इंस्टेंस, ठीक है। बट एक आपसे बात कहूँगा, सर्वर के साथ रह रह कर ना मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पेशेंस लेवल जो है आई वुड से मतलब लिमिटलेस हो गया है, इन्फिनिटी हो गया है, तो मतलब वो रेजिस्ट करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज सर्वर जितनी गलतियाँ करता है ना वो लिमिटलेस है, सर्वर के सामने मैं कह रहा हूँ, और वो भी रिपीटेड मिस्टेक्स। तो एनीवे कोई इशू नहीं है, बस फ़ोन गिर गया था, वो भी गंदी जगह गिर गया था, अगर थोड़ा बहुत मोटा अगर पत्थर पत्थर होता तो नुकसान हो जाता, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने इसी में ही बेहतर रखा होगा। आपको क्लॉक टावर दिखा देते हैं, अभी बन ही रहा है, ये पूरी तरह बना नहीं है अभी ये, बट जो भी बनेगा ज़बरदस्त ही बनेगा। हम कहाँ जा रहे हैं हमें खुद नहीं पता, धूप बहुत ज़्यादा है आज, गर्मी है। गाइस क्लॉक टावर हमने छोड़ दिया है और आपको भी फर्स्ट टाइम ऐसे देखने को मिला होगा इतना सुनसान, आई वुड से साइलेंट, मतलब लाल चौक अभी है राइट, काफ़ी ज़्यादा साइलेंस है अक्रॉस दी लाल चौक, बिकॉज आज पब्लिक है ही नहीं ज़्यादा, बस फ्रूट सेलर्स है, छोटे छोटे वेंडर्स है जो भी साइड साइड में बैठे हुए हैं, ठीक है, पूरा लाल चौक खाली है। तो देखते थोड़ा बहुत आगे चलते हैं, मेहनत कर रहे हैं, ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा। मेहनत एक्चुअली डबल डबल लग रही है, एक तो इसको समझाने में लग रही है, मतलब आज का पूरा दिन ही ख़राब था, सच में आपसे बोल रहा हूँ, कितनी मेहनत लगती है मेरे को, सच बता, आज तू अपनी ज़बानी कहेगा, सच बता। हाँ। बोलो लगती है कितनी नहीं मेहनत, किस में सबसे ज्यादा मेरे को मेहनत लगती है मेरे को समझाने में, नहीं सच बता रहे थे को, अपनी मम्मा की कसम है। हाँ, सच बता रही है, सच में आपसे बोल रहा हूँ, जितनी एनर्जी होती है ना 50% डाउन, मैं डांटता नहीं हूँ समझाता हूँ हमेशा से इसको, 50% एनर्जी मुझे दे देते। देखते वो पुल है, उस पुल को पार कर लेते और देखते क्या होता है। इस ब्रिज को क्या बोलते हैं? यहाँ से तो ये क्लॉक टावर है, अमीरा कदल। अच्छा अमीरा कदल यही है, ओके चलिए शुक्रिया भाई। तो गाइस इसको अमीरा कदल कहते हैं, काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे मतलब स्ट्रीट वॉक कर रहा हूँ। तो गाइस ये सारा का सारा लुक जो है ना, यहाँ से आपको अमीरा, ये ब्रिज है और यहाँ से जो है पानी है राइट, पता नहीं ये जहलम है क्या है, आई डोंट नो। तो ये काफ़ी ओल्ड ब्रिज है, धूप में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या चीज़ कैप्चर हो रहा है क्या चीज़ कैप्चर नहीं हो रहा है, बस इस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं, देखते हैं अगर आगे कुछ मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो वापस बैक टू आवर व्हीकल और देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन को। भाई आज पूरा का पूरा लाल चौक खाली है, बस देखते हैं यहाँ से, देखते क्या होता है, स्ट्रीट वेंडर्स है यहाँ पर, लेट अस सी गाइस देखते हैं क्या होता है। क्या सोच रहे हैं बता भाई, खुलकर बता, कुछ तो सोच रहे होगे, हाँ बता बता बता, कुछ सोच रहे हैं पक्का, पता ही नहीं क्या सोच रहा है ये, बस कुछ करने को है नहीं, निकलते ही है यार, मूड ही आज का दिन ही खराब हो गया, चलो निकलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है ये इंटेस्टाइन है, आउट से जो इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं इसके गोट के, जो कि काफ़ी गलत है, इसमें नहीं फेंकना चाहिए, लाइक मतलब इनको लाइक मतलब डंप करना चाहिए लाइक मतलब ज़मीन के अंदर। तो यहाँ पे ये तैर रहा है, आई डोंट नो हाउ मच क्लियर इट इज़, एंड कुछ शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। आई वुड से टुडे इन दी मॉर्निंग इटसेल्फ मैंने मुरीन शहमरी की एक वीडियो देखी थी, उन्होंने एक अपडेट दिया था कि जो इंटेस्टाइन है उनको पानी में ना फेंके, जो कि काफ़ी गलत है, बिकॉज ईद वाले बकरे होते हैं राइट, तो काफ़ी ज़्यादा गुना रहता है एज़ पर रिलीजन। तो अभी यहाँ पे देखने को मिला, ये बच्चे इसी को ही देख रहे हो, आप क्यों इसको देख रहे थे बोलो? क्योंकि ये हमने कुर्बानी की ना घर में। हाँ? ये मम्मी ने उसी में फेंका। किसमें? किसमें? मम्मी ने इसकी, मम्मी ने फेंका आपकी? अच्छा ये आपकी मम्मी ने फेंका है तो इसीलिए आप देख रहे हो। चलो किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। आप भी फर्स्ट है। भाई हो आपस में?
चलो चलो निकलते हैं, ठीक है बेटा, चलो भाई। गाइस इन्हों की मम्मी ने इसमें फेंका हुआ है। हाँ जी हाँ जी, अली गिलट साहब, ठीक है फिर से बोलो एक बार, अली गिलट साहब, चलो शुक्रिया भाई। तो गाइस काफी प्यारे से नन्हे से बच्चे थे और मुझे लगा किसी और ने फेंका है, लेकिन इनकी मदर ने ही फेंका है। तो गाइस हाँ बेटा सुनो मेरी बात, तो ये ना आपको पता है ये जो बेड़ होता है ना, ये ईद वाला बेड़ होता है, ठीक है, तो ये गुनाह होता है पानी में फेंकना, आपको किसी ने कहा है? हमने बोला कि एक कब्र में दफनाना। हाँ उसने मगर इसने कहा। किसको बोला आपने? मम्मी को बोला। चलो मम्मी को आप बोलना अगले साल पानी में नहीं फेंकना, ये बुरी बात है, ठीक है मेरा जिगर। आपका क्या नाम है? मुसैब। चलो ठीक है, चलो दे दो इजाजत। हाँ चलो भाई टेक केयर। काफी प्यारे से बच्चे थे गाइस, तो बस मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट इंस्टेंस पे। तो गाइस बस अभी हम निकल रहे हैं, इस पुल को पार करके आए, कुछ भी नहीं निकला, नथिंग, जीरो बट्टा सन्नाटा। तो बस अभी पुल पार कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंस्टेंस पे। यहाँ पे कुछ भी कैप्चर करने को नहीं था, कुछ ऐसा मोमेंट नहीं था जहाँ पे मैं बुलवा पाऊँ, बट अभी दिमाग में ये आ रहा है क्यों ना बच्चों से बुलवाऊँ, लेट्स सी क्या होता है। हाँ बेटा, तो गाइज इन बच्चों से ट्राई कर लेते, लेट्स गिव अ ट्राई। फोन चलाते हो? हाँ। फोन पे क्या देखते हो? बोलो क्या देखते हो? हाँ कार्टून देखते हो, वीडियो देखते हो? हाँ। तो आपने मेरे चैनल का नाम पूछा नहीं कि मेरे चैनल का क्या नाम है? सर वीडियो फोन फोन पकड़, अब अच्छे से पकड़ना। हाँ सही है, दूर पे प्रेजेंट माइंड है ना। हाँ तो आपने लगेगी लगेगी मुझे, ये बताओ तो आपने मेरा पूछा नहीं कि मेरा नाम क्या है, मेरे चैनल का क्या नाम है, घर पे देखोगे नहीं क्या नाम है मेरा? बोलो। अली है मेरा नाम, ठीक है। क्या है बेटा नाम मेरा? अली। किसका नाम अली है? तुम्हारा, जिसके मैं व्लॉग्स देखता हूं ना, उसका नाम अली है। किसके व्लॉग्स देखते हो भाई? ये किसी अली व्लॉग को गई, अली है वो क्या मोटो व्लॉगिंग करता है, क्या करता है वो भी बच्चा ही है, इसका पास ठीक है, इसके पास बिल्ली है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेटा सुनो मेरी बात, मैं चाहूंगा सर्वर नीचे अच्छे से बैठो, मेरे चैनल का नाम है अली गिलट साज, ठीक है सर्वर बैठ जाओ आराम से। अली गिलट साज। अली गिलट साज। हाँ क्या है मेरे चैनल का नाम? अली गिलट साज। अली भाई ये तो सही बोल रहा है, आप सेम एज के हो या आप इससे ये हो? सेम सेम। थोड़ा बहुत इन पे फोकस करो इस साइड से, इस साइड। तो मेरे चैनल का नाम अली गिलट साज है, ठीक है, एक बार फिर से कहो। अली गिलट साज। अली गिलट साज, शाबाश। तो मेरा ना टैग लाइन है बेटा, ठीक है, जिस तरह ब्रांड का टैग लाइन होता है ना, आई डोंट नो ये कैसा लग रहा होगा आपके एंड पे, बच्चों से मैं बुलवा रहा हूँ, तो हमारे ब्रांड का टैग लाइन है अली गिलट साज नाम नहीं ब्रांड है। क्या है? हाँ अली गिलट साज नाम नहीं ब्रांड है, हमने मान लिया है, आप भी मान लो, ठीक है। तो अब आप यही चीज़ बोलोगे, जो मैं बोलूँगा वही आप बोलोगे, ठीक है। अली गिलट साज, बोलो अली गिलट साज। अली गिलट साज। नाम नहीं साज, नाम नहीं, बोलो नाम नहीं। अली गिलट साज नाम नहीं ब्रांड है, ब्रांड है, हमने मान लिया है, हमने मान लिया है, आप भी मान लीजिए, आप भी मान लीजिए। अब बिना मेरे बोलो एक बारी, अब मैं नहीं बोलूंगा, बोलो अली गिलट साज। अली गिलट साज। नाम नहीं, नाम नहीं ब्रांड है, ब्रांड है, हमने मान लिया है, हमने मान लिया है, आप भी मान लीजिए। चलो मेरा जिगर, चलो शुक्रिया, चलो चलो। तो गाइज इन लोगों ने काफी एफर्ट्स लगाया, ठीक है, तो इन्होंने प्रोनाउंस करा, तो बस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंस्टेंस पे, ठीक है बेटा, चलो बाय। चलो इजाजत दो हमें। नाम क्या आपका? मुसैब। चलो बेटा बाय। काफी अच्छा लगा इनों के साथ बात करके, काफी क्यूट से बच्चे थे, विटी बच्चे थे, क्लेवर बच्चे थे। सर्वर और मैंने पानी ले लिया है, खुला दे भाई, तो पानी ले लिया है, पानी पियेंगे।